तो देखिए, एनिमल को रिलीज हुए 3-4 दिन हो चुके हैं भैया, क्या धमाल मचा रही है फिल्म बॉक्स ऑफिस पे। ऐसे में आप देखेंगे तो बॉबी देओल का एंट्री सीन काफी ज्यादा पसंद आया ऑडियंस को, जबरदस्त हमें एंट्री सीन देखने को मिलता है। और आप देखेंगे तो उसी वक्त एक बीजीएम हमें सुनने को मिलता है, एक पुराना ईरानी सॉन्ग है उसको यहाँ पे यूज किया गया है, जमल जमालू करके उसका नाम है शायद, कहीं ना कहीं उसको देखेंगे तो डांस करते हुए नजर आते हैं बॉबी देओल अलग ही। आप देखेंगे तो पहले रणबीर कपूर वो सिगरेट पी रहे हैं, फिर उसका जो वो कश है वो छोड़ रहा भैया, रणबीर कपूर पूरा धुआं निकाल रहा, रणबीर कपूर धुआं निकाल रहा, और उसी वक्त हमें बॉबी देओल का धुआं निकलता हुआ नजर आता है, और फिर बॉबी देओल देखने को मिलता है अलग ही, उनका अवतार देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे वो दारू पी रहे होते हैं, वो ग्लास अपने सर पे रख रहे हैं, यूं नाच रहे हैं, अलग ही अवतार देखने को मिला, वो सॉन्ग बज रहा पीछे। और आप देखेंगे खतरनाक वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे बॉबी देओल का एंट्री सीन, साथ ही साथ वो सॉन्ग का सब देख रहे हैं कि भैया कहाँ है वो सॉन्ग आखिर, क्योंकि फिल्म की जो म्यूजिक एल्बम थी उसमें हमें ये सॉन्ग देखने को नहीं मिला, ना ही सुनने को मिला। उसके अलावा रणबीर कपूर का भी एक वो सॉन्ग है, वो भी आप देखेंगे तो वो भी पुराना सॉन्ग है, लगभग 4-5 साल पुराना सॉन्ग है, वो फिल्म में यूज किया गया। और ये जो जमल जमालू करके कोई बोल रहा है कि 6 साल पुराना, और एक 10 साल पुराना भी एक ईरानी वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें ये सॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं 10 साल पुराना वो सॉन्ग है जो कि फिल्म में यूज किया गया। और मतलब क्या, लेकिन क्या जबरदस्त टाइमिंग पे यूज किया गया, मतलब पूरा आप देखेंगे वो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया कि मजा ही आ गया। वो बॉबी देओल मतलब कहूंगा कि उनकी कैरियर की सबसे बेस्ट एंट्री सीन है, मतलब ऐसा भी नहीं कि देखिए और वो एक्शन अवतार में कहीं एंट्री हो रही है, सिंपल सी एंट्री लेकिन वो इतनी यादगार एंट्री कर दी है बॉबी देओल की। और क्या तो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, वो मतलब अलग ही खुशी, उनकी शादी हो रही है वहां पे तो अलग ही, वो पहले उसकी खुशी देखने को मिल रही है, डांस कर रहे हैं अलग ही, एंजॉय कर रहे हैं, तो मजा आ गया कहीं ना कहीं। बॉबी देओल का देखिए छोटा सा रोल है लेकिन काफी इम्पैक्टफुल रोल है, सभी को काफी ज्यादा पसंद आया, जबरदस्त बिना बोले उन्होंने हिला डाला पूरा थिएटर। और एंट्री सीन पे क्या भैया सीटियां तालियां बजी बॉबी देओल की, और मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद बॉबी देओल को काफी काम मिलने वाला है फिर से भैया जबरदस्त तरीके से। अभी आप देखेंगे तो बीच में उन्हें फिल्म ही मिलना बंद हो गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि भैया जबरदस्त उन्हें काम मिलेगा, मजा आएगा। बाकी आपको बॉबी देओल का एंट्री सीन कैसा लगा था कॉमेंट कीजिए जरूर।